तो आज मेरा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि आज दर्शन करने जा रहे हैं माँ कामाख्या माँ की। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी से कुछ किलोमीटर दूर में एक पर्वत है, नीलांचल पर्वत। उसी पर्वत पर माँ कामाख्या माँ की स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती ने अपनी योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव ने अपना गोद में उठाकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से देह काटते गए तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उसी योनि गर्भ ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है और कामाख्या माता के मंदिर में योनि का पूजा होता है। जय माँ कामाख्या। तो गाइस सुबह के बज चुकी है 8:30 और इस टाइम मैं निकल चुका हूँ नहा धोकर और अभी मैं हूँ मेघालय में, लेकिन रास्ते का वो सर ना राइट साइड जवाड़ी जा रही ना उधर असम है, तो कुछ पल के बाद ना मैं असम में इंटर करने वाला हूँ और आज जाने वाला हूँ माँ कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए, जो गुवाहाटी सिटी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ से सिटी 17 किलोमीटर है और माता जी का स्थान है 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर होगा। और आज काफ़ी मैं खुश हूँ, आज सौभाग्यशाली अपने आज को समझने वाला हूँ, क्योंकि जब तक माँ किसी को नहीं बुलाती ना तब तक वो कोई भी नहीं पहुँच पाता। और आज आपका भाई आप सभी के प्यार आशीर्वाद के कारण आज माता कामाख्या के दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो आज की ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। राधा राधा सीताराम। सबसे पहले आप सभी को प्यार और गुड मॉर्निंग। झारखंड टू ऑल सलातरा में स्वागत है। तो अभी मैं हूँ मेघालय में और कुछ पल के बाद जाएंगे असम में और असम में जाकर गुवाहाटी सिटी और माँ कामाख्या माँ के दर्शन करने। देखते कितना टाइम लगता है, कितना घंटा लगता है दर्शन करने में, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम में जा रहा हूँ और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो माँ कामाख्या माता की कैसा मानते हैं कि विष्णु भगवान ना माता सती को 51 जैसे सूर्यदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने माता सती को 51 भाग किए थे, कटिंग किए थे, जिसमें जहाँ कामाख्या माता अभी विराजमान है ना वहाँ पर उनका वो योनि गिरा था, तो वहीं पर पूजा करते हैं और वहाँ पर बलि भी चढ़ता है और बहुत सारे लोग ना जादू टोना करने वाले वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ जाने के बाद ही बताएंगे, पूरा हिस्ट्री आपको मिलेगा माता के स्थान पहुँचने के बाद ही बताएंगे। फिलहाल चलते हैं और आज कमेंट में ना जो लिखना है वो मत लिखिएगा, सिर्फ जय माता दी लिखिएगा या जय कामाख्या माँ, टाइम मिले तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो कल ना इस मंदिर में आने वाला था, ये शिव मंदिर है नहीं गणेश भगवान का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर स्नान करने जगह था नहीं था मुझे नहीं पता और यहाँ फिर मैं नहीं आ पाया क्योंकि पेट्रोल पंप से यहाँ लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर था, लेकिन यहाँ पर भी सोने का स्थान होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, भगवान का इच्छा था कि वहीं पर रहूँ, वहाँ पर नहाने धोने का सारा सुविधा था इसी चलते, ठीक है। अभी मैं डॉन है अभी तो मैं अभी उतर रहा हूँ धीरे 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 धीरे, गाड़ी ना बहुत चलती गाइस क्योंकि गुवाहाटी इंटर करने वाला हूँ ना सिटी। ओहो तो गाइस ये है वेलकम टू गुवाहाटी और ये है ना पूरा बांस का बनाया गया है पूरा द्वार ना, काफ़ी यूनिक देखा हूँ, तो फर्स्ट में ऐसा देखा हूँ कि पूरा बांस ही बनाया गया है पूरा जो मेन द्वार है ना वो। तो चलते एंट्री करते हैं। तो इस गेट के एंटर करते ही आ चुके हैं गुवाहाटी में, आप सभी को स्वागत है असम में। एक बार फिर तीसरा बार असम में एंटर कर चुका हूँ। तेरे अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से सीधा रोड गया है माँ कामाख्या माता के मंदिर और चलते हैं दर्शन करने। हमको पता है बहुत सारा भीड़ होगा, बहुत सारे भक्ति आते हैं हर दिन, कम से कम लाखों भक्त आते हैं। गुवाहाटी भी ना काफ़ी खूबसूरत सिटी, काफ़ी खूबसूरत सिटी है और फर्स्ट टाइम आया गुवाहाटी
और अगर आप पूरा सिटी घूमना चाहते हैं ना तो रुकना पड़ेगा, वन नाइट कहीं पर होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा सिटी घूम सकते हैं। अभी तो मैं सोकस में जा रहा हूँ माता कामाख्या के दर्शन करने के लिए। और सिटी ना दिल जीत लिया, काफ़ी खूबसूरत सिटी है। पता पहाड़े हैं, पहाड़े आप छोड़ने वाले हैं, पहाड़ तो छूट गया है लेकिन माँ कामाख्या माता का मंदिर पहाड़ पर ही है, तो आखिरी पहाड़ होगा, उसके बाद फिर झारखंड, उसके बाद फिर बंगाल, उसके बाद बंगाल के बाद झारखंड। झारखंड में पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, देखते हैं किधर से जाते हैं, वो तो पता चलेगा आगे जाने के बाद ही गाइस। अभी तो उतर रहा हूँ, कैमरा बंद। इतना गाड़ी चलती है ना, हालत ख़राब है, कहीं कहीं जाम लगती है ना, तो 10-5 मिनट के बाद ही छूटती है काफ़ी। और ना सुबह से ना पूरा वेदर ख़राब है और बूंदा बूंदी बारिश भी हो रही है, अगर बारिश होगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हो वही सही है। और काफ़ी क्राउड है, मतलब कि गुवाहाटी गुवाहाटी है लेकिन प्लेस अच्छा है, सिटी अच्छा है, डेकोरेशन भी अच्छा है, आसपास जाली लगाया गया है। तो यहाँ ना सबसे डिफरेंट बिल्डिंग है ना, ऐसा लगा ना कि एक पट्टी झुका हुआ है, बनाया गया उसी तरह। तो माँ कामाख्या माता के जो मंदिर है ना, इन्हीं पहाड़ियों में है और यहाँ से दिखाई पड़ रही है, तो पता नहीं किधर से जाना है लेकिन लोकेशन में दिखा रहा है, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, अगर शॉर्टकट होगा तो उधर ही से निकल जाएंगे। तो ये रहा एंट्री गेट, जो अभी काम चल रही है, अभी इसमें ना पेंटिंग हो रहा है, तो अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ से आप निकलते हैं आगे। अगर आप कामाख्या माता मंदिर आएंगे ना तो रास्ते में कुछ इस तरह दर्शाया गया है, आगे कामाख्या माता के मंदिर है, वहाँ पर चित्र पत्थरों में निकाला गया है, नक्काशी किया गया है, और इधर कुत्ते भी हैं, बकरी भी है, इसका मतलब है कि सभी माता कामाख्या के दर्शन करने जा रहे हैं पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तभी यूनिक है। और ये ना पूरा पत्थर से बनाया गया, लोहा से, पता नहीं क्या चीज़ से, लोहा से ही बनाया गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो जगह जगह पर ना दीवारों में नक्काशियाँ किया गया है और माता सती का दर्शाया गया है, और 3 किलोमीटर का एक ट्रैक है, साइकिल लेके भी जा सकते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है साइकिल, वहाँ तक तो जाएंगे ही। तो यहाँ से सीढ़ियों से अब जा रहे हैं, प्रसाद ले लिए, इधर काफ़ी भीड़ है। तो फाइनली गए आ चुके हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, ये रहा मेन मंदिर, और चलते हैं एंट्री करते हैं। यहाँ पर ना सभी ऐसा चिपका रहे हैं, है ना, यहाँ ना इस मंदिर को दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग कंट्री से। ये पीतल का है, तो यहाँ पर कुंड है, और मंदिर में अंदर जाने से पहले फिर यहाँ धोना पड़ता है। तो माता जी का मंदिर ये रहा, और 2 नंबर गेट से ना जाएंगे ना तो आपको जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। अभी मैं पूजा करके आ चुका हूँ और अभी मैं बैठा हुआ हूँ, इधर सीढ़ियाँ हैं, जितने भी लोग आते हैं ना सभी यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। इधर बकरी है, जो ये रहा ना, इधर बलि घर है, ये बलि घर है, और यहाँ का ना सुकून मिल रहा है, और काफ़ी लंबा लाइन है, देख सकते हैं इधर लाइन है, ऊपर से ना ये लेन है, ये काफ़ी लंबा लेन है, जो मेन गर्भगृह है ना उसमें दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर वहाँ पर जाएंगे तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएगा, तो हम शॉर्टकट में दर्शन करके आ चुके हैं। तो अब चलते हैं और आसपास दर्शन कराते हैं, और अंदर वीडियो अलाउड नहीं है यहाँ से। गाय रहा बलि घर, और इधर रहा दीपक, आप जला सकते हैं यहाँ पर, तो हम भी जलाते हैं। तो इधर ना सभी लेन में खड़े हैं, और दीवार में प्रतिमा इधर बैठने के लिए बनाया गया है। तो कौन
और काफी सारे भक्त आए, काफी सारे इधर भी इधर से आ गए। ये रहा माता जी का मंदिर, इधर पूजा करके सभी निकलते बाहर। और यहाँ पानी पीने का व्यवस्था भी किया गया है। काफी सारे भक्त आए, काफी सारे इधर ना कबूतर हैं, बहुत सारे उधर बकरी जो बलि देने के लिए। तो इधर बहुत सारे मंदिर हैं, आप दर्शन कर सकते हैं और सभी भक्तों ने यहाँ पर फोटो क्लिक भी करवा सकते हैं, पता नहीं कितना प्राइस है। इधर मार्केट में ना शंख भी मिल जाएगा और जानते हैं कि पूजा करवा सारा सामान मिल जाएगा। और इधर मंदिर है, तभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो फाइनली गाइस दर्शन के आ चुके हैं और अभी रास्ते में हूँ और यहाँ से पूरा गुवाहाटी ना दिखाई पड़ता है। व्यू देखें यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत है ना गुवाहाटी सिटी ना, वहाँ से पूरा दिखाई देगा उधर। ये भी गुवाहाटी के अंदर ही आता है। अभी मुझे नीचे उतरना है, अब बारिश हो रही है बूंदा बूंदी, अभी से कल उधर है। और ये रहा व्यू पॉइंट है, ये वहाँ पर से भी व्यू पॉइंट है और एक आगे व्यू पॉइंट है, वहाँ चलते हैं। तो दूसरा व्यू पॉइंट यहाँ से है और यहाँ से नीचे भी उतर सकते हैं। शौक से पैदल आते हैं ना तो इधर से चढ़ सकते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं, हम साइकिल से ऊपर आए हैं तो साइकिल लेकर नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी ना रात को सो सकते हैं आराम से। अगर कल मैं आया था ना सुबह सुबह तो यहाँ मैं सो जाता और मैं सुबह लेन में लग जाता, दर्शन कर लेता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और वहाँ पर ना मैच हो रहा है, वहाँ पर बारिश के चलते ना प्लास्टिक ढक दिया गया है। ये रहा पूरा सिटी गुवाहाटी। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी कामाख्या माता मंदिर आते हैं ना तो एक दिन टाइम निकाल कर आइएगा। हम तो दर्शन तो कर लिए दो नंबर गेट से, अगर आप याद है ना तो शॉर्टकट में आप दर्शन कर सकते हैं दो नंबर गेट से, बाहर से दर्शन होंगे। अगर आप जहाँ माता जी का योनि गिरा था ना वहाँ पर आकर दर्शन करने जाएंगे तो मेन कपाट मंदिर में है, हम लोग बाहर से दर्शन किए थे, तो वहाँ जाने के लिए आपको 3 से 4 घंटा 5 घंटा लेन लगना पड़ेगा, उसके बाद ही दर्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप भी हम लेन लगता तो लगभग 6-7 रात हो जाता। इसी चलते बाहर के लोग बोले कि 2 नंबर गेट से बाहर से दर्शन कर लो उसके बाद निकल जाना। और अगर आप अंदर जाएंगे ना तो आपको एंट्री करना पड़ेगा, जहाँ बलि देते हैं ना उधर ही सबको जाना पड़ेगा। तो जितनी भी बकरी का खून है ना उसके लांग कर जाना पड़ेगा आप लोग को। तो थोड़ा सा यहाँ का महत्व क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, मतलब कि मान्यता क्या है, वो तो वीडियो में बता ही दूँगा बलि क्यों देते हैं और बता ही चुका हूँ। और माता जी का यहाँ का ऐतिहासिक क्या है वो तो पता चल ही गया होगा। और आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। और आप यहाँ ना टेम निकाल कर आइएगा, क्योंकि मेरे पास तो टेम तो है, लेकिन क्या कि मेरे पास साइकिल है ना, अब प्रॉब्लम है कि नाइट होल्ड करने के लिए यहाँ तो रुक सकता हूँ, लेकिन क्या कि फिर माता जी भी बुलाएँगे तो आएँगे और अच्छी तरह से दर्शन करेंगे, 1 नाइट यहाँ पर गुजारेंगे भी। और मैं मुझे पता नहीं था ना कि यहाँ पर भी रुकने का स्थान है, तो यहाँ पर मैं कैंपिंग करके आराम से रुक सकता, कोई बोलता भी नहीं, लेकिन हमको पता नहीं था ना माता जी का। और मैं गूगल में भी सर्च हमारा नेट यूट्यूब में सर्च हमारा, लेकिन ऐसा कोई यहाँ तो बहुत सारे साइकिल वाले आए हैं, यूट्यूबर आए हैं, साइकिल वाला आए हैं, यूट्यूबर तो नहीं, हम साइकिल हम भक्त हैं और मैं यूट्यूबर देख रहा, लेकिन कोई भी नहीं बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा जगह भी है। अगर आप आते ना कामाख्या मंदिर तो आराम से साइकिल चाहिएगा, आराम से जगह मिलेगा, आराम से यहाँ पर सो जाइएगा, ऐसा जगह बहुत जगह मिल जाएगा, तो आराम से कैंपिंग करके सो जाइएगा और सुबह सुबह आप दर्शन कर लीजिएगा लेन में लगकर। फिलहाल चलते हैं, अगर आप भी अगर क्या बोलते हैं पैसा देकर 50 रुपया लेन में खड़ा नहीं रहना चाहते हैं ज़्यादा, तो 50 रुपया आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन वो टोकन हम गया था, लेकिन क्या था कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए ना बंद कर दिया गया था, इसी चलते फिर टोकन भी नहीं मिला। तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, आप प्रसाद आप सभी को मिलेगा घर आने के बाद, ठीक है वेट कीजिएगा। तो आप निकलते हैं यहाँ से, बारिश बंद हो चुकी है।
गुवाहाटी से बाहर तो निकल रहा हूँ फ्लाईओवर के भी नीचे नीचे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, तो नीचे पता चल ही रहा होगा कि भींजा हुआ है हाईवे। तो बारिश ना हो तो मेरे लिए अच्छा है, अगर होगा तो ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वैसा जगह भी नहीं है जहाँ मैं होल्ड कर सकूँ, क्योंकि अभी सिटी से बाहर निकल रहा हूँ ना। तो देखते हैं कितना घंटा लगता है सिटी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आगे से हमको राड जाना है और एक रिवर है, और रिवर का नाम क्या है वहाँ जाने के बाद ही बताएंगे। फिलहाल निकलते हैं, क्या बोले, बारिश ना हो वही सही है, वो कहीं क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तो 1:15 हो चुकी है, अभी काफ़ी टाइम है, अगर अभी से राइडिंग करूँगा ना कंटिन्यू तो 25-30-40 किलोमीटर आगे चले जाऊँगा। सुबह से लगभग 25 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, और देखते हैं शाम तक कितना कर पाता हूँ, बारिश ना रोके वह बस। काफ़ी भीड़ है। गाइस पूरा मौसम ख़राब है, और बूंदा बूंदी पानी ना, बारिश हो ही रही है, बूंदा बूंदी बंद नहीं हो रही, नीचे पता चल ही रहा है। और अभी एक पुल पार कर रहा हूँ, और नीचे रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, और ये पुल 100 मीटर का है, इसकी लंबाई 100 मीटर है, और दूसरा बार ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस कर रहा हूँ। और अगर बारिश होगी ना प्रॉब्लम हो जाएगा गाइस, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, और लग रहा है ना कि उधर बारिश हो रही है, लेकिन हर तरफ का धुंधला ही है, हर तरफ धुंधला है, और नीचे ना नाव भी है ब्रह्मपुत्र रिवर में, नाव भी है, नाव मछली मारने का काम आता है ना, मछली मारते हैं उससे बहुत ज़्यादा। और सीस पहाड़, अगर पहाड़ दिखाई पड़ रहा ना, क्रॉस उधर से भी जा सकते हैं, लेकिन एक पुल जब एंड होगा ना वहाँ पर लेफ्ट साइड एक रास्ता गया है हाईवे, उसी से हमको जाना है। तो अभी बारिश ना तेज़ हो चुकी है, तो अभी मैं रुका हुआ हूँ, उसी का दुकान बंद था, एक टेयर का दुकान था, कहीं पर रुक गया हूँ, और काफ़ी तेज़ हो चुकी बारिश। बारिश बंद हो जाती ना तो निकल जाता आगे, भाई बारिश ने रोक दी, और कहीं अच्छा जगह चला जाता है जहाँ पर रुकने का स्थान रहता है ना, ऐसा नहीं रहता, लेकिन रुकने का कहीं स्थान ही नहीं ना, यही प्रॉब्लम है, तो क्या करें। तो अभी ना दूसरी जगह आ चुका हूँ बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं था, पानी ना ऊपर से टपक रहा था, और अभी बारिश थोड़ा सा कम हो चुकी है, तो अभी आप निकलूँगा यहाँ से, अभी फ़िलहाल दही खा लेता हूँ, क्योंकि 30 रुपये मिल गया था, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि खाना भी नहीं बनाया था ना, इसी चलते दही खाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं।